हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शुक्बा फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग की कितनी फीस होती है, मतलब जब आप इसमें एडमिशन लेंगे, कंप्लीट ये कोर्स आप करेंगे बीएससी नर्सिंग का या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज का या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो कितनी फीस आपको देनी होगी। तो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं इंडिया में, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा फीस होती है इसकी, तो अगर हम एवरेज लगाएं प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट की, तो 3 से 4 लाख आपके लग जाते हैं। इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, इससे कम भी लग सकते हैं। तो एवरेज अगर हम माने 4 इयर्स का, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो 3.5 से 4 लाख तो आप मान के चलिए ही। लेकिन वही अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो बहुत ही कम फीस आपकी लगती है। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें हम, जैसे एम्स, तो एम्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है ये। तो अगर इसका आप एंट्रेंस दे रहे हैं, आपने अच्छी तैयारी कर ली है और आपका इसमें नंबर आ जाता है, आप इसको क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है एम्स में, तो आपकी जो फीस है ना, वो ना के बराबर लगती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही कम फीस इसमें होती है। तो ये बेनिफिट होता है गवर्नमेंट कॉलेज से कोई भी कोर्स करने का। तो आज हम यहां देखेंगे कि एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो कितनी फीस आपको देनी पड़ती है। तो आपको बता दें कि यहां पर टोटल 14 एम्स हैं जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराते हैं। ठीक है, 14 एम्स में रायपुर है, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भटिंडा, एम्स पटना, तो ठीक है, इस तरह से लिस्ट आप देख सकते हैं। तो टोटल 14 एम्स हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, ठीक है, तो जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराते हैं। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ये सभी एम्स के लिए है, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है। अगर आप भोपाल से, एम्स पटना से, रायपुर से, ऋषिकेश से, भटिंडा से, किसी भी एम्स से अगर करते हैं तो सेम यही फीस स्ट्रक्चर, यही फीस आपको पे करनी होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का कोर्स है, तो टोटल जो ट्यूशन फीस होती है ओनली 600, जी हाँ, 600 रुपए आपको देने होते। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ 4 लाख और कहाँ 600 रुपए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी होती है। ठीक है, तो 600 आपकी ट्यूशन फीस होती है 4 इयर्स की। वहीं अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप करते हैं एम्स से, तो 200 रुपीज आपकी फीस रहती है ट्यूशन फीस, 200 रुपए आपकी फीस रहती है 2 साल की। और अगर आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं एम्स से, किसी भी एम्स से कर रहे हैं, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं जो एम्स आपको कराता है, तो उसकी जो ट्यूशन फीस है वो 300 रुपए है। ठीक है, ऑलरेडी 300 रुपीज, और ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज रहते हैं 3.5 इयर्स के इसमें रहते हैं। तो ये ट्यूशन फीस है जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर पोर्ट मनी की, तो बीएससी नर्सिंग के लिए 960 रुपए है 4 साल के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 480 है 2 साल के लिए, और पैरामेडिकल के लिए 720 है 3.5 साल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम हॉस्टल चार्जेस की, हॉस्टल फीस की। तो एम्स जो है हॉस्टल फैसिलिटीज सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर 480 रुपीज, ठीक है, 480 रुपए बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं और हॉस्टल का आपको रेंट पे करना है, तो 480 आपको पे करना होगा पूरे 4 साल के लिए। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो हॉस्टल चार्जेस हैं, हॉस्टल रेंट है, वो 240 रुपए है 2 साल का। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन मनी की, तो क्वेश्चन मनी ओनली 100 रुपीज है, 100 रुपए आपको पे करने होंगे। अब बात करते हैं जो हमारे रिफंड, हॉस्टल जो सिक्योरिटी रहती है वो कितनी आपको पे करनी होती है। तो जो सिक्योरिटी मनी होती है वो हमेशा रिफंडेबल होती है, तो जो सिक्योरिटी मनी होती है वो हमेशा रिफंड कर दी जाती है आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो 1000 रुपीज आपको पे करने होते हैं, 1000 रुपए आपको पे करने होंगे हॉस्टल सिक्योरिटी के, जो कि आपको रिफंड कर दिए जाएंगे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम फीस होती है एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं या पैरामेडिकल कोर्स करते हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो अगर हम अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनकी फीस कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है बल्कि। तो ये था आज का एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का फीस स्ट्रक्चर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।